बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के माधवपुरम कॉलोनी में दुकान पर एक अन्य युवती के साथ गई बीए की छात्रा को गोली मार दी गई। बदमाशों ने घटनास्थल पर एक से ज्यादा फायर किए जिससे वहां भगदड़ मच गई। खाली युवती को केएमसी हेल्थ सिटी में भर्ती कराया गया है। युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल हमलावरों का सुराग नहीं लग पाया। पुलिस छानबीन में जुट गई है। माधवपुरम सेक्टर 1 महाकालेश्वर मंदिर के पास यह घटना बुधवार की शाम करीब 8 बजे हुई। अनिल मिश्रा की पुत्री कोमल मिश्रा पास स्थित अंकित कौशिक की कॉस्मेटिक शॉप पर कुछ सामान लेने गई हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसी वक्त बाइकों पर सवार कुछ युवक आए और फायरिंग कर दी। एक गोली कोमल को भी लगी है। बताया जा रहा है कि युवकों ने यह फायरिंग दहशत फैलाने के उद्देश्य से की है। मौके पर मौजूद विभा मिश्रा ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी। निभा जी, क्या मामला हुआ था बच्ची के साथ में, कहाँ गई थी? ये ना हमारे पड़ोस की एक लड़की है, उसके साथ वो दुकान पे गई थी चप्पल वगैरह लेने। अच्छा। मुझे पता नहीं था, उसकी मम्मी ने बताया मुझे, मुझे उसके साथ गई हो। अच्छा, तो फिर क्या आपको क्या पता चला फिर बाद में? उसकी मम्मी जिसके साथ गई थी उसकी मम्मी ने बताया कि वो कुछ बोल नहीं रही थी, वो शोर मचा रही थी। मैंने कहा क्या हो गया क्या हो गया, फिर उनके पीछे वो भागी आगे, मैं भी उसके उनके पीछे ही पीछे ही चली जा रही थी। फिर उन्होंने भाई साहब ने लेके दुकान तक पूछा, वो लड़की वहाँ नहीं थी, फिर मुझे मिली नहीं। वो हॉस्पिटल ले आए थे? हाँ, तभी सबने बताया वहीं जो थे उन्होंने बताया हॉस्पिटल ले गए। बच्ची का क्या नाम है?